Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड मैथ में नंबर सेंस से अचीवर सेक्शन के कुछ अलग ही यूनिक टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ. एक बार आप अवश्य देखें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन हाउ वे कैन यू फॉर्म अ थ्री डिजिट नंबर यूजिंग 3, 4, 5 वंस इन इच कॉम्बिनेशन. इन थ्री डिजिट को कॉम्बिनेशन करके कंबाइन करके हम कितने नंबर्स एट लिस्ट बना सकते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन ए सी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6. अब इसके हम आंसर को चेक करेंगे. चलिए समझते हैं कि किस तरह हुआ. नंबर्स आर देखिए 3, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 3, 4 एंड 5, 4, 3. इस तरह नंबर्स को हम कंबाइन करके 6 पॉसिबल वे में थ्री डिजिट नंबर्स बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. रितेश यूजेस सम कैंडी टू फॉर्म अ ट्रायंगल. रितेश कुछ कैंडी लेकर ट्रायंगल बनाना चाहता है. ईच ऑफ थ्री कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल हैज ए कैंडी. तीन कॉर्नर रहेगा जहाँ पे कैंडी रहेंगे. देयर आर 5 कैंडी ऑन ईच साइड. एक साइड उसे 5 कैंडी रखना है ट्रायंगल में. तो हाउ मेनी कैंडी डज रितेश यूज फॉर्म अ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल में रितेश कितने कैंडी यूज करेगा. तो चलिए देख लेते हैं. करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी 12. अब किस तरह 12 हुआ चलिए इसको हम समझते हैं. मान लीजिए 5 × 3 = 15. तीन साइड है ट्रायंगल में, 3 ट्रायंगल हो जाएगा. तो 5 × 3 माइनस हो जाएगा 12 डिवाइड एज 3 कॉर्नर आर कंडक्टेड काउंटेड ट्वाइस. रितेश यूज 3 कैंडी फॉर्म अ कैंडल. देखिए इस प्रकार ये 3 कैंडी हो जाएगा. इधर से 5 टू साइड्स 5 यूज हो रहे हैं और इधर से 4. तो ये टोटल जो नंबर्स ऑफ कैंडी जो हो रहे हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं 12. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. टोटल नंबर्स ऑफ कैंडीज कितने हुए 12 कैंडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये दो बॉक्स दिए हैं जो एक खुले हुए हैं और एक इस तरह मुड़े हुए हैं. इक्वल टू 13 हो रहे हैं. इन दोनों बॉक्स को हम प्लस करते हैं तो 13 हो रहे हैं और माइनस करते हैं तो 3 हो रहे हैं. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस बॉक्स. मान लीजिए इस बॉक्स को हम ए बोल देते हैं और इसको हम बी. तो ए प्लस बी बॉक्स के टोटल अलग अलग नंबर क्या होंगे. तो इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए 8 and 5. तो चलिए इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार हुए. ए प्लस बी फिर ए माइनस बी इसका टू 13 + 3 हो रहे हैं. ठीक है ए प्लस बी यानी हम बॉक्स को ए मान लेते हैं और इस बॉक्स को बी मान लिए हैं. तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारा 13 + 3 हो रहा है. तो इसी प्रकार 13 + 3 क्या हो गया 16 एंड 16 डिवाइडेड बाई 2 इसकल टू 8. अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 8 हो रहा है. और इस बॉक्स के लिए 13 - 8 = 5. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 8 and 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट कैन यू सी इन द पिक्चर्स. यहाँ पर कितने डिजिट इन इमेज में दिख रहे हैं ये हमें काउंट करना है. काउंट करने समय हम ये भी ध्यान रखना है कि इमेज हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरह से कितने नंबर हमारे काउंट हो रहे हैं. तो चलिए इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी 8. अब हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार 8 हुआ. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किस तरह. चलिए समझ लेते हैं. 8 कैसे हो गया. यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ देखिए हमने बना के बताया है. ये हो गए 8, 5, 7, 3, 2 और 9 जो ये दिया है इसे दो नंबर्स बन रहे हैं. अगर इधर से हम देखते हैं तो 9 हो रहे हैं और उलट कर देखते हैं तो 6 हो रहे हैं और ये 1 हो गए. तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स लेस देन 50 आर देयर. यहाँ पर हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, दो डिजिट के नंबर कितने डिजिट नंबर्स हैं जो 50 से कम होंगे.
वैसे कितने डिजिट नंबर्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 20, 30, 40 या 50? करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन सी, 40। अब इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार हो रहे हैं। मान लीजिए वी हैव काउंट द होल नंबर 10 to 49, ठीक है, 50 से अंदर हमें लेना है तो 49 तक हम काउंट करेंगे, तो 10 to 19 10 हो गए, 20 to 29 10, 30 to 39 10 एंड 40 to 49 10। तो ये टोटल अगर हम करेंगे 10 10 10 and 10 इक्वल टू 40, सो टोटल नंबर क्या हो गए 40, तो देयर आर 50 - 10 इक्वल टू 40 नंबर्स यहाँ पे हो रहे हैं, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम इसमें देखते हैं, लुक एट द इमेज एंड फाइंड द नंबर ओनली वन डिजिट फ्रॉम 4 to 9 इज रिपीटेड 3 times इन इमेज। इस इमेज को हमें ध्यान से देखना और बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 times रिपीट हो रहा है, 4, 7, 8 या 5, कौन ऐसा नंबर है जो 3 times रिपीट हो रहा है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे बच्चों कि कौन से नंबर 3 times रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, 5। चलिए इसको मैं करके बताती हूँ, देखिए यहाँ पर 5, 3 बार रिपीट हो रहे हैं और दूसरे नंबर से भी 4, 4 बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, हाउ मेनी वे आर देयर टू गिव 12 apples टू 3 children सो डैट ईच चिल्ड्रेन विल गेट एट इवन नंबर्स ऑफ एप्पल। 12 apples है जो हमें 3 children's में डिवाइड करना है और हमें ध्यान रखना है वो एप्पल हमारा इवन नंबर्स में होने चाहिए। तो चलिए करेक्ट आंसर इसके हो जाते हैं, ए का 3। कितने वे में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं किस तरह 3 वे में हम एप्पल को डिवाइड कर सकते हैं 3 children में 12 apples को। देखिए 8 + 2 + 2 = 12, 6 + 4 + 2 = 12 एंड 4 + 4 + 4 = 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 3 वे में 12 apples को 3 students में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 3 वे टू गिव एप्पल, सो ईच चाइल्ड विल गेट एन इवन नंबर ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एलिफेंट फेस इन द फर्स्ट पोजिशन, ये एलिफेंट फेस है ये फर्स्ट पोजिशन, व्हाट इज द पोजिशन इन लायन फेस इन। अगर हम एलिफेंट को फर्स्ट पोजिशन काउंट करते हैं तो लायन की जो है पोजिशन क्या होगी, तो इसमें हमारे लायन की पोजिशन हो जाएगी 7। किस तरह, चलिए हम काउंट करके आपको बताते हैं। लाइन फेस 7 पोजीशन, देखिए लेफ्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर 9 की 7 पोजीशन आ गई। नेक्स्ट है, गिवन चार्ट शो द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस ऑन द फॉर्म इन द फर्स्ट 5 months ऑफ ईयर। नंबर्स ऑफ एग प्रोड्यूस जनवरी में इतने हो रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ एग एक फॉर्म में फर्स्ट 5 months में इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है ए, द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन अप्रैल वर लेस देन फरवरी, कहा जा रहा है अप्रैल में जो है फरवरी से कम है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, अब अप्रैल में कितना हो रहा है हमारा पहले ये समझ लेते हैं, 4907 एंड फरवरी में हो रहा है 4228। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन मई वर लेस देन इन मार्च। मे में कितना हो रहा है 5164 और मार्च में हो रहा है 5879, यानी कहा जा रहा है कि मार्च में जो है एग्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं कंपैरिजन में के, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यहाँ पे ये ऑप्शन डी हो गया। तो नंबर जो है हमारा ये क्या मई में हमारा हो रहा है आपका 5164
एंड मार्च में हमारा हो रहा है 5879. तो दिस इज करेक्ट आंसर कि मार्च में हमारा एक मई के कंपैरिजन में ज़्यादा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. नंबर 10. चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं. इफ दिस बॉक्स रिप्रेजेंट वन देन राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन डायग्राम. 100 पे कितने नंबर्स हैं, 10 पे कितने हैं एंड 1 पे कितने हैं. तो चलिए देखिए यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं. 100 पे कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3. तो यहाँ पर 100 पे हो गए 3. 10 पे कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए. एंड 1 पे कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 हो गए. तो हमारे नंबर्स ये कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3, 5, 6. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा मैच द फॉलोइंग्स नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे कौन से नंबर होंगे वो हमें देखना है. तो 400 प्लस 60 प्लस 8, तो इसको अगर हम मैच करेंगे तो क्या लिखाएगा, 468. इस प्रकार हम लिखते हैं. तो ये हमारा इस प्रकार ए बी से कौन सा मैच हो रहा है, 3. फिर इसी प्रकार 4680. तो 4680 ये ऑप्शन इस प्रकार लिखेंगे. नेक्स्ट 406 हमारा ये ऑप्शन लिखा जाएगा एंड 4068 ये हमारा इस प्रकार लिखा है. तो ये ऑप्शन हमारा किससे मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन है हमारा सी. पी का 3, क्यू का 1, आर का 4 एंड एस का 2. दिस इज करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द नंबर यूजिंग गिवन क्लू. इसमें क्लू दिया गया है, इस क्लू के अनुसार इस ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही हो सकता है हमें देखना है. सबसे पहले आई एम एन ऑड नंबर, पहला ये ऑड नंबर है. सेकेंड क्लू हमें ये मिल रहा है द 10 डिजिट इज ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर. मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, वन डिजिट नंबर 10 डिजिट नंबर से ज़्यादा है वो हमारा नंबर है, तो मतलब ये हो गया 9. नेक्स्ट जो है तो 100 डिजिट इज इवन नंबर, 100 डिजिट जो है हमारा इवन नंबर है. तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि 100 डिजिट हमारा इवन नंबर है, ये हमें ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. और नेक्स्ट फिर हमारा स्टेटमेंट आ रहा है द 100 डिजिट इवन नंबर एंड माई 1000 डिजिट इज लिस्ट ऑड नंबर. माई 1000 डिजिट इज लिस्ट ऑड नंबर. तो लिस्ट ऑड नंबर हमारा क्या हो गया, 1. तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास ऑप्शन क्या हो रहे हैं, 10 डिजिट पे हमारा ये 9 होना चाहिए जो यहाँ पर भी हो रहा है. 10 डिजिट पे तो यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन 1000 डिजिट पे जो है हमारा एट लिस्ट पोजीशन क्या है, 1 होना चाहिए. तो ये सिर्फ बी ऑप्शन में 1000 डिजिट पे हो रहा है. साथ में 100 डिजिट पे हमारा बोला जा रहा है इवन नंबर होना चाहिए, तो 9 हमारा 100 डिजिट पे इवन नंबर होना चाहिए, तो 4 हमारा ये 100 डिजिट पे इवन नंबर हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. सोनाली स्पॉइल्ड इंक ड्रॉप ऑन हर होमवर्क सी डैश सो बिलो. तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि सोनाली जो है इंक ड्रॉप कर चुकी है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए. नंबर हमारा पी क्यू आर पोजिशन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन हो रहे हैं. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं. 432 से बड़ा नंबर है जो यहाँ पे कौन सा पोजीशन, क्यू के पोजीशन पर जो है ये नंबर होना चाहिए. तो क्यू के पोजीशन पे हमारा
32 है और यहाँ पे क्यू में हम कौन सा नंबर डालेंगे तो 432 इससे ज़्यादा होना चाहिए पी के पोजीशन के हिसाब से। तो पी की पोजीशन यहाँ पे हमारा दे रहा है ए बी सी डी, तो पी के पोजीशन के अनुसार यहाँ पर अगर हम 6 डाल देते हैं तो 436 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, 436 हो जाएगा, 6 डालेंगे तो 466 हो जाएगा और 4 डालेंगे तो 446 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, पी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 2 होना चाहिए। फिर क्यू स्टेटमेंट में हमारा 443 दिया गया है और 443 बड़ा है 48 और यहाँ पे कौन से पोजीशन पे, आर पोजीशन पे यहाँ पर कौन सा नंबर हम डालेंगे ये हमें बताना है। तो आर पोजीशन पे हमारा ये नंबर डाला हुआ है तो 443 में कौन सा नंबर डालेंगे तो 447 हमारा यहाँ अगर डाल सकते हैं 449 डालेंगे 477 डालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 443 एंड क्यू पोजीशन पे हमें डालना है तो 8338 तो 3 अगर हम डालेंगे तो 443 इक्वल साइज हो जाएगा, सिंबल गलत हो जाएगा और 8 अगर हम डालते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 448 तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू आर में ये जो नंबर दिया गया इसके अकॉर्डिंग हमें फिलअप करना है। 792 इक्वल टू यहाँ पे क्या हम डालेंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे 792 इक्वल टू 792 तो ये नंबर हमारा यहाँ ले लेंगे और इसमें ये ले लेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 287। यहाँ पे क्या हो गया 426 848 एंड 792 तो करेक्ट आंसर हमारा हो रहा है ऑप्शन ए 2 8 और 7। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हमारा हो रहा है ऑप्शन ए। तो ये थे कुछ अचीवर सेक्शन से क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हों और आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं कि किस तरह का क्वेश्चन आपने पहले वीडियो में नहीं देखा था, इसी वीडियो में आपने क्वेश्चंस देखा है। आज के लिए इतना ही, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।